नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आगे चलेंगे, एक एक करके सभी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। क्या पीएम मिशन को पूरा करने का है बड़ा प्लान, खबर बताते चलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि दोनों ही नेताओं के बीच में करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर अचानक नीतीश कुमार से क्यों मिलने पहुंचे, क्योंकि लगातार पीके अपने दौरे में मुखर होकर के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं पीएम मिशन को पूरा करने का कोई बड़ा प्लान तो नहीं है। फिलहाल इस मुलाकात पर अभी आधिकारिक रूप से किसी तरफ से अभी तक फिलहाल तो बयान नहीं आया है सामने। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को यहाँ पर एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से की है मुलाकात। एक और बड़ी खबर बताते चलें, अमित शाह के इस बयान से मचा है हड़कंप। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से बीजेपी के कद्दावर नेताओं का राजस्थान दौरा जारी है। कवायद चुनावी तैयारियों की बताई जा रही है, लेकिन असल मामला पार्टी में अंदर खाने दिख रही खाई को पाटने का है। अमित शाह इसी कड़ी को जोड़ने के लिए जयपुर पहुंचे थे, लेकिन लगता नहीं है कि मामला शांत हो पाया है। वसुंधरा गुट अपना दबदबा बनाने की जोर आजमाइश में जुटा है और राज्य भी राजनीतिक सभाओं में अपने बयानों से दावेदारी पेश कर रही हैं, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह का बयान पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजस्थान में चुनावी पारा बढ़ने लगा है, ऐसे में विधानसभा चुनाव में पार्टी सीएम फेस के साथ जाएगी या फिर पीएम मोदी के चेहरे के आधार पर, सवाल बड़ा है। लेकिन अमित शाह ने संकेतों से साफ कर दिया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव 2023 में पीएम मोदी के चेहरे को ही जनता के सामने रख कर के वोट मांगेगी। मतलब साफ है कि पार्टी सीएम फेस घोषित ही नहीं करेगी, जो कि सीधे तौर पर वसुंधरा राजे के लिए एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर भाजपा ने विधानसभा के चुनाव में सीएम फेस घोषित नहीं किया तो वसुंधरा राजे यहां पर भाजपा को अलविदा भी कह सकती हैं और अपनी एक नई पार्टी बना सकती हैं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। ये यहां पर बड़ी खबर है। राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, तेलंगाना ने केंद्र सरकार से नई संसद का नाम अंबेडकर पर रखने की मांग की है। विधानसभा में पास किया है प्रस्ताव, इस समय की बेहद बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के। तेलंगाना की सरकार ने विधानमंडल के दोनों ही सदनों से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करा करके केंद्र की मोदी सरकार से दिल्ली में नए संसद भवन का नाम संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग की है। विधानमंडल के दोनों ही सदनों ने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस सरकार के द्वारा पेश प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया है। आपको बताते चलें, राज्य के मंत्री केटी रामा राव ने सदन में प्रस्ताव पेश किया। एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन किया, जबकि बीजेपी के विधायक सदन में मौजूद ही नहीं रहे। स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित करने की घोषणा कर दी। ये यहाँ पर टीआरएस की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तेलंगाना ने केंद्र सरकार से नई संसद का नाम अंबेडकर पर रखने की मांग की है। आप लोग तेलंगाना सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम का समर्थन करते हैं या नहीं, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं, गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया है बड़ा दावा।
जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देश भर में देखने को मिल रहा है कि भाजपा एक एक करके हर राज्य में विपक्षी विधायकों को तोड़ लेती है, और ऐसा ही अब गोवा में भी जल्द ही देखने को मिल सकता है। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के गोवा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनावड़े ने दावा किया है कि कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। गोवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब कांग्रेस देश भर में खोई अपनी जमीन को वापस पाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता देश भर में 150 दिन की 3570 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। और वहीं इससे पहले बताते चलें, भाजपा ने जेडीयू के तमाम विधायकों को तोड़ा था मणिपुर में, और इससे पहले भी कई राज्यों में देखा गया है कि बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के कई विधायकों को तोड़ा, और अब ऐसा ही गोवा के अंदर भी भाजपा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ने में जुटी है बीजेपी। दोस्तों, अगर आप लोग भी भाजपा के द्वारा की जा रही खरीद फरोख्त की राजनीति का खुले तौर पर विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस बीच एक और खबर बताते चलें, पीएम ने बिना लड़ाई चीन को दे दी है 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन, सरकार बताए इसे कैसे दोबारा किया जाएगा हासिल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भड़के हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है और भारत सरकार पर चीन को जमीन देने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, चीन ने अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने की भारत की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। पीएम मोदी ने बिना किसी लड़ाई के चीन को 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन दे दी है। उन्होंने आगे ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या भारत सरकार बता सकती है कि इस क्षेत्र को कैसे पुनः प्राप्त किया जाएगा। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को राहुल गांधी ने घेरा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सपा विधायक हाउस अरेस्ट, आज से विधानसभा में महंगाई बुलडोजर किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन करने का ऐलान। खबर बताते चलें, समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर के विधान भवन में प्रदर्शन करने जा रही थी। इसके पूर्व ही पार्टी विधायकों के घरों के बाहर पुलिस ने पहरा लगा दिया। पार्टी की तरफ से ट्विटर फेसबुक पर इस पूरे मामले को लेकर के गुस्सा जताया गया है। तमाम यहां पर विधायकों को हाउस अरेस्ट किया गया है। यूपी पुलिस की तरफ से पार्टी की ओर से कहा गया है कि महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, भर्तियों में धांधली, स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार, गरीब के घरों पर चल रहे बुलडोजर, किसानों की दुर्दशा के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने आज विधानसभा जा रहे सपा विधायक, लेकिन पुलिस सपा विधायकों को घरों से निकलने ही नहीं दे रही है, जो कि घोर निंदनीय है। तानाशाही चलाई जा रही है सरकार की तरफ से। ये यहाँ पर दोटू कहना है समाजवादी पार्टी का। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।